ऑल राइट एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर सीरीज में पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पूरा पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग उसमें कंप्लीट करेंगे। मल्टीपल सीरीज, अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में। बेसिकली इजी चैप्टर है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यूलर कंप्लीट फंक्शन और पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमम लैग्रेंजेस, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े इजी होते हैं, बस थोड़े लेंदी होते हैं, उन पर हमें ध्यान देना। बाकी तो चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। इन कम्पेयर टू मल्टीपल इंटीग्रल्स, वेक्टर कैलकुलस, ये चैप्टर है बहुत ईजी, थोड़ा सा लेंदी है। अच्छा, हो जा क्या है कि जैसे बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा, तो मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है वाई कॉस एक्स, अब इसमें जेड डैश एक्स कहा जाता था, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस वाई साइन एक्स, इस तरह से हम लोग ले देते थे। इन जनरल डिफरेंशिएट करते थे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ होगा क्या कि हम लोग एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे, होगा हमारा जो फंक्शन जेड सम फंक्शन ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं, तो पार्शियली डेरिवेट अगर करने कहें तो मान लीजिए डेल जेड बाय डेल एक्स, ये सिंबल होता है पार्शियल डेरिवेटिव का डेल। तो डेल ओवर डेल एक्स का मतलब है पार्शियली डिफरेंशिएट एनी गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेल ओवर डेल वाई मीन्स पार्शियली डिफरेंशिएट एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये अपना बेसिक सा नोटेशन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए डेल जेड बाय डेल एक्स लिखा है तो इसको आप जेड ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। जेड ऑफ एक्स एक नोटेशन है, डेल जेड बाय डेल वाई इसको जेड ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इसको आप जेड एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आप जेड एक्स एक्स भी लिख सकते हो, डेल टू जेड वाई डेल वाई स्क्वायर को जेड वाई वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक्स नोटेशन हो गए, ठीक है। अब एक बात करता हूँ हमको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन की, कि जो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर है इसको यहाँ पर लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये क्या चीज़ है, अब कहा जाए कि मान लीजिए हमारे पास तो फंक्शन है एक्स इक्वल टू सॉरी जेड इक्वल टू एक्स कॉस वाई। सो पहला क्वेश्चन कहा जाए कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये सिंपल फंक्शन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही फंक्शन ले लेते हैं, इजी वाला आएगा। डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई ये कहा जाए, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखेंगे कि क्या ऑर्डर मैटर करता है, कि पहले इसका मतलब क्या हुआ कि डेल ओवर डेल एक्स टाइम डेल जेड बाय डेल वाई, इसका मतलब क्या हुआ डेल ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब हमें चेक करना कि क्या ये दोनों असल में सेम आते हैं कि नहीं, फिर ये हम लोग यहाँ से बेसिक से प्रोसीड करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, तो जेड एक्स हम लोग करेंगे तो टू एक्स वाई स्क्वायर, और जेड एक्स एक्स डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो टू वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर डेल एक मिनट, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया पहले, हाँ ये इसका मतलब क्या हुआ डेल ओवर डेल वाई मीन्स जेड पहले एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट होगा फिर वाई के टर्म में, यहाँ पर है जेड पहले वाई के टर्म में डिफरेंशिएट होगा फिर एक्स के टर्म में, पहले हम लोग यहाँ चेक करते हैं। हाँ, तो हम लोग पहले लिखते हैं जेड एक्स, तो जेड एक्स हमारे पास कितना है टू एक्स वाई स्क्वायर, फिर जेड एक्स वाई वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर एक्स वाई, ये हमारा पहला आ गया। हम लोग इसको निकालते हैं जेड वाई मीन्स वाई के टर्म में डिफरेंशिएट पहले करते हैं, तो हमारे पास आएगा टू वाई एक्स स्क्वायर, फिर से अब एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो टू वाई एक्स मीन्स टू फोर एक्स वाई। तो क्लियरली हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जेड एक्स वाई इक्वल टू जेड वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैटर नहीं करता है, किसी भी मतलब आप पहले एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कराइए वाई के कराइए, इससे कोई मतलब नहीं। सेम काम थर्ड वाले डिफरेंशिएशन डेल थ्री जेड अपॉन डेल थ्री जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है, ये सब इसमें चलता है। तो ये तो जो बेसिक्स हो गया, ठीक है। हम लोग बेसिक्स आज जो कुछ मैं कई क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यूलर्स थ्योरम कंप्यूटर टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम लैग्रेंजेस आइडेंटिफाई कांस्टेंट वाले मेथड पे देख लेंगे हम लोग मल्टीप्लायर। तो इसी से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर बड़ा इजी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, इन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम कहता है
इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि जेड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ये तो हमें प्रूव क्या करना है, जेड एक्स माइनस जेड वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रोसीड करते हैं। बेसिक क्या है, सबसे पहले करते क्या है कि डिफरेंशिएट जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, या फिर इक्वेशन वन को क्या, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। ठीक है, पार्शियली कर देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि वाई यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन एक तो ये प्रोडक्ट टर्म में, तो पहले इसका होगा फिर इसका होगा। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका एक्स का करेंगे तो 2x हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आया, डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू क्या आया, 2x माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास आया। सिमिलरली अगर हम लोग डेल जेड बाय डेल वाई निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा 2y माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इनका डिफरेंस लेके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, डेल जेड बाय जेड ऑफ एक्स माइनस जेड ऑफ वाई हमारे पास आएगा 2x माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2y माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास क्या आया, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आया। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर कहा गया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड वाई का होल स्क्वायर, हमें 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन इसको मानते हैं, गिवन इक्वेशन ये हम लोग को 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड एक्स 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड एक्स क्या है, 2x माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2y माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2z अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2x प्लस वाई लिख देते हैं, प्लस जेड की वैल्यू हम लोग जेड यहाँ देखे थे, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इक्वेशन वन से लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 टाइम्स ऑफ दिस एक्स प्लस वाई माइनस ट्वाइस, इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस 4xy प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो यहाँ से ये हमारे पास कट जाएगा अपॉन एक्स प्लस वाई। एक मैं जस्ट अ सेकेंड देखता हूँ कोई गलती तो नहीं हो गई, 2x माइनस 2y 1 माइनस, अच्छा हाँ यार इसमें यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर इसके नीचे नहीं आएगा ना, इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एक्स प्लस वाई माइनस 2x, तो बेसिकली हमारे पास ऊपर बचा क्या, हमारे पास बचा माइनस एक्स माइनस वाई, सो ऐसे लिख देते हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ये अपॉन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। वही मैं कह रहा था इसमें कुछ शायद मिसिंग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, हमारे पास आया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिख देंगे तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे थर्ड इक्वेशन मानेंगे, कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन से, हाँ दोनों आंसर सेम आ रहा है, तो क्लियरली हम लोगों ने यहाँ पहला क्वेश्चन कर लिया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग जब यूलर्स मेथड पढ़ लेंगे तो उसमें कर लेंगे, कि जानते हैं कि हम लोग एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई
डिग्री के बराबर होता है, डिग्री इसमें 0 है तो अपना काम आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला हम लोग यूलर्स का पढ़ेंगे, फिर मॉडिफाइड एक्स एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई प्लस 2xy यू एक्स यू वाई। ठीक है, ये वाला मेथड फार्मूला हम लोग देखेंगे। कभी कभी इस वाले का डेरिवेशन आ जाता है तो उसका डेरिवेशन के साथ हम लोग देखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन उसका इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है कि यू इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स में पूछा क्या गया है कि एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई फाइंड करना। ठीक है, हमें फाइंड करना है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है, इस पर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली करो क्या, ये यू एक्स पूछा है तो यू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 बाय वाई इंटू इसका जो डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। हमारे पास आएगा ये वाई ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने पास यू एक्स आ गया। अब यू वाई की तरफ चलते हैं, यू वाई तो हमारे पास यू वाई आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स तो माइनस एक्स डिवाइडेड वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये यू वाई आ गया। ठीक है, यू एक्स आ गया, यू वाई हो गया, एक्स यू एक्स करते हैं हमारे पास, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इस फैशन में इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स अंडर रूट वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो वाई से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख सकते हैं क्लियरली हमारे पास सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आंसर क्या आ गया एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यही मैं बता रहा था, डिग्री के बराबर होगा, डिग्री उस पॉलीनोमियल की 0 है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम 2 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं, यू इसको कॉपी ही कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोगों ने कॉपी कर लिया इसको, यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारा अगला प्रॉब्लम ये कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम नंबर 3 इजी प्रॉब्लम से, बस थोड़े से लेंदी है। एग्जाम में टेम्परामेंट बेसिकली आप लोगों को मेंटेन करके रखना है, बाकी आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर आप लोग करते रहिएगा, प्रीवियस ईयर का मैं अगर सोल्यूशन आप लोगों का सेशन चाहिए तो कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन पॉलिनॉमियल दिए गए, तो इसमें हमें करना क्या है कि एक्स यू एक्स माइनस वाई यू वाई को प्रूव करना है कि इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या, बेसिकली यू को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास बेसिकली -1/2। डिग्री क्या है, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, डिग्री में -1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -3/2। अभी अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो -2y, तो अपने पास कितना आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको ये भी लिख सकते हैं, यू क्यूब भी लिख सकते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा इसका, तो वाई डिवाइडेड बाई यू क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, अब यहाँ पे यू वाई ले लेते हैं हम लोग, यू वाई पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई -1/2 सेम 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -3/2 इंटू वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, इस बार थोड़ा टर्म ज़्यादा आएंगे -2x प्लस 2y। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय सेम वाई फालतू का यू क्यूब अपने पास आ जाएगा, तो ये अपने पास ही आया यू वाई। ठीक है,
ये हमारा दूसरा है, ये हमारा पहला है, इन दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक करना, ठीक है। एक्स यू एक्स माइनस वाई यू वाई इस फैशन में ऐड सब्ट्रैक करना, ठीक है। तो एक्स यू एक्स करेंगे, एक्स वाई अपॉन यू क्यूब माइनस दिस, इसमें वाई मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई बाई यू क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई यू क्यूब, अपने पास क्या है, वाई स्क्वायर बाई यू क्यूब, जस्ट अ सेकेंड, डिनोमिनेटर में, अच्छा हाँ ये यू क्यूब नहीं है, यू क्यूब तो उसकी पावर माइनस में, तो हाँ इसको ये लिख सकते हैं, इसको यू नीचे लिख देता हूँ, यू की पावर -3, ठीक है, यू टू द पावर -3, तो यहाँ डिनोमिनेटर यू टू द पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ वाई यू टू द पावर -3, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई यू क्यूब, ठीक है, यही हमारे पास आंसर लाना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, सिंपल कुछ नहीं, बस बेसिक सा पार्शल डिफरेंशिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत इजी है, थोड़ा सा कहाँ पेस्ट हो गया, कंट्रोल जेड, हाँ यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 कुछ ऐसा है कि अगर यू हमें गिवेन है तो del3 ये हमें निकालना है, तो यू एक्स यू वाई यू एक्स वाई जेड हमें निकालना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर जो भी चाहिए वो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, फिर एक ऐसा करते हैं, यू को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वैसे दोनों तरह से कर सकते हैं, ये वाला मेथड मैं दूसरा बाद में करता हूँ, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, यू एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, वाई जेड ई की टू पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, यू एक्स, अब वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, अब वाई के टर्म में करेंगे तो अपने पास आएगा वाई वाई स्क्वायर एक्स जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। यू को एक्स वाई जेड के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पर ई टू द इसका सॉरी इसमें होगा, तो हमारे पास आएगा जेड स्क्वायर एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस इसमें जेड के टर्म करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस, अब इस ये वाई जेड के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई क्यूब एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर सॉरी एक्स जेड के टर्म में डिफरेंशिएट, हाँ वाई क्यूब एक्स स्क्वायर जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर करेंगे क्या, ई टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमा ले लेते तो हमारे पास आएगा वन प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ई टू द पावर एक्स वाई जेड, फिर से एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यही है, ये एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, हमारे पास ये आया वाई जेड, ठीक है। फिर अगर वाई के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो ये पहला वाला आया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स जेड से मल्टीप्लाई एक्स, वही तो मैं कह रहा था, यहाँ पर वाई के टर्म में करेंगे एक्स जेड स्क्वायर वाई ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। प्रॉब्लम ये रहती है कभी कभी, यहाँ पर करना कुछ और था, कर कुछ और दिया, ठीक है। यहाँ एक्स के टर्म फिर से मैं चेक कर लें, एक्स के टर्म में करेंगे वाई जेड आ जाएगा, वाई के टर्म में करेंगे पहले इसका जेड ई टू पावर एक्स वाई जेड, फिर इसका वाई के टर्म में एक्स जेड से मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड टी की पावर एक्स वाई, ठीक है। अब जेड के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, टी टू द पावर एक्स वाई जेड पहले वाला, फिर दूसरे का करेंगे तो जेड एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई जेड, अब इसका जेड के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं टू एक्स वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस, अब जेड के टर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, यही आना चाहिए, हाँ ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, हमारे पास क्या आया वन प्लस थ्री एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यू एक्स वाई जेड, तो इस तरह से हम लोग ये निकालेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 5, यहाँ से कुछ अच्छा स्टार्ट होता है, कंट्रोल सी,
इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 है, इसमें देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि कुछ ज़्यादा ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आर भी एक वेरिएबल है जो एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। जेड तो हमारा जो फंक्शन है वो एक्स और वाई पर डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन जो आर है इसमें फंक्शन वो वाई, एक्स और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इतना आसान सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो बताता हूँ कैसे करते हैं। डेल जेड बाय डेल एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल आर इंटू डेल आर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा। डेल जेड बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स, और डेल आर बाय डेल एक्स यहाँ निकाल लोगे, यहाँ से तुम्हारे पास कितना आएगा, एक्स बाय आर इंटू डेल जेड बाय डेल आर, ठीक है। जहाँ पर भी मान लीजिए दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट आने लगा तो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे। चलिए फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये है कि ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना। सबसे पहले हम लोग जेड ऑफ एक्स निकालते हैं। जेड ऑफ एक्स निकालेंगे कैसे, इसको डिफरेंशिएट करिए एल एन ऑफ एक्स प्लस आर, ठीक है। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस आर। अब वन प्लस, अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आर को सिंपली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखो जैसे यहाँ मैंने लिखा है डेल जेड बाय डेल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, और इंटू जेड। अब ये बेसिकली हम लोग दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स का ले रहे हैं, डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल एक्स। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या कि डेल आर से मल्टीप्लाई कराएंगे, डेल आर से डिवाइड कराएंगे, तो डेल आर बाय डेल सॉरी डेल बाय डेल आर ऑफ आर हो जाएगा प्लस दैट्स डेल आर बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका इसके साथ कर लेंगे और इसका इसके साथ, ताकि हम लोग आर का डिफरेंशिएशन आसानी से कर पाए, ठीक है। फिर एक्स को आर के रिस्पेक्ट हम लोग इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ लिखेंगे हम लोग डेल बार बाय डेल एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा डेल आर बाय डेल एक्स इंटू डेल डेल बाय डेल एक्स, डेल एक्स लिखते हैं डेल बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल आर बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल आर, तो वन ही हो गया हमारे पास, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। तो माइनस यहाँ पर डेल आर बाय डेल एक्स हो गया हमारे पास। तो ये कितना है हमारे पास, एल एन ऑफ एक्स प्लस आर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस आर डेल आर बाय डेल एक्स, यहाँ से कितना आया, ये हमारे पास आया एक्स बाय आर। तो वन प्लस एक्स बाय आर माइनस एक्स बाय आर, यहाँ से आएगा एल एन ऑफ एक्स प्लस आर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, यहाँ से हमारे पास कट जाएगा एक्स प्लस आर माइनस एक्स बाय आर। जस्ट अ सेकेंड, मैंने माइनस यहाँ क्यों लगा दिया था, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा, तो हमारे पास ये एक्स बाय आर आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास बचा गया एल एन ऑफ एक्स प्लस आर, ठीक है। ये हमारे पास बचा जेड ऑफ एक्स। अब इसको एक और बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, जेड एक्स एक्स, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अंदर वाले डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस आर मतलब लॉग का, फिर अंदर वाले करेंगे तो वन प्लस डेल आर बाय डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास पता है वन अपॉन एक्स प्लस आर वन प्लस एक्स बाय आर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वन बाय आर, ठीक है। ये देखा जेड एक्स एक्स, तो ये अपने पास आधा आ गया। हम लोग को डेल आर डेल वाई वाई भी निकालना, ठीक है, जेड वाई, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर से मैं देख लेता हूँ। जेड अपने पास था एक्स एल एन एक्स प्लस आर माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ से देखो डेल आर और डेल वाई, डेल वाई को क्या लिख सकते हो, डेल आर डेल बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल आई वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जैसे हम लोग आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवेन है, तो यहाँ से डेल आर बाय डेल वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, वाई बाय आर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जेड ऑफ वाई
मीन्स जेड को वाई से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो अपने पास आएगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आर, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आर इस वेरी कर रहा है वाई के टर्म में, तो इससे अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका 0x का विद रिस्पेक्ट टू वाई, और आर का हो जाएगा डेल आर बाय डेल वाई, इसका डेल आर बाय डेल वाई, और डेल वाई डेल बाय डेल आर इसका 1 है, माइनस डेल आर बाय डेल वाई, ठीक है, तो इसका कितना आ गया एक्स अपॉन एक्स प्लस आर, और ये अपने पास कितना है वाई बाय आर, माइनस वाई बाय आर, वाई बाय आर कॉमन लेता हूँ मैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस आर माइनस 1, यहाँ से अपने पास आ जाएगा ऊपर आर वाई बाय आर, आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, आर से आर कट गया, वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आर, ये अपने पास आ गया जेड ऑफ वाई, जेड ऑफ वाई वाई ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, इसका ऊपर वाले डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स प्लस आर माइनस वाई एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू अंडर वाले डिफरेंशिएशन वाई बाय आर हो जाएगा अपने पास, हाँ ठीक है, यहाँ से आर से 1 बाय एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आर माइनस आर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस आर, अच्छा हाँ डिनोमीटर में आर भी है, आर भी यहाँ आ गया, यहाँ से अपने पास आया आर एक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आर स्क्वायर माइनस, हाँ आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर प्लस एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आर अपॉन आर प्लस एक्स, यहाँ आएगा एक्स बाय आर, तो अपने पास ये वाई का डबल डेरिवेटिव जेड वाई वाई इक्वल टू एक्स बाय आर आ गया, जेड एक्स एक्स कितना आया था अपने पास 1 बाय आर, तो जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई इक्वल टू एक्स बाय आर प्लस 1 बाय आर इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय आर, देखते हैं क्या लाना था अपने को, प्रोग्राम ने 1 अपॉन एक्स प्लस आर लाना था, जस्ट अ सेकेंड, 1 अपॉन एक्स प्लस आर, कुछ मिस्टेक हो गई आई गेस, में चेक करना पड़ेगा, यहाँ वाई बाय एक्स प्लस आर आ रहा था ना, तो इसको डिफरेंशिएट किया वाई, फिर अपने पास ये आ गया, ये वाई बाय आर वाई स्क्वायर, यहाँ से यहाँ पर आर भी मल्टीप्लाई किया अपन लोगों ने, तो अच्छा ये डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर है आर प्लस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय आर, आर प्लस एक्स, तो ये अपने पास आएगा एक्स बाय आर 1 अपॉन आर प्लस एक्स, स्टिल काउंट इस एक्स बाय आर, आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आर, जस्ट सेकेंड, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं स्टार्टिंग वाला यहाँ देखना पड़ेगा अभी, इसका माइनस आर किया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, यहाँ एल एन एक्स सी पिला आ गया, इसका अगेन डिफरेंशिएट किया 1 प्लस एक्स बाय आर प्लस एक्स, हाँ 1 बाय आर आ गया, ठीक है, इस बार ये हो गया, इसका वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपने पास एक्स अपॉन एक्स प्लस आर डेल आर बाय डेल वाई वाई बाय आर आ गया हमारे पास, वाई बाय आर कॉमन हम लोगों ने लिया, अच्छा हाँ यार माइनस आर आएगा अपने पास माइनस वाई, ठीक है, बाद में माइनस साइन में यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे इसका माइनस से बाहर ले लेंगे, स्टार्टिंग यहाँ देखना पड़ेगा, तो ये देखो यहाँ गया तो माइनस आर आर से कट गया, तो यहाँ हमारे पास आया माइनस वाई बाय एक्स बाय आर, ठीक है, तो ये माइनस मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये इसका ये हो गया आर 1 बाय एक्स आर एक्स
प्लस आर एक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास आर प्लस एक्स आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय तो सिर्फ माइनस एक्स बाय आर, अपने पास क्या आया माइनस एक्स अपॉन आर, आर प्लस एक्स लेट सीट माइनस एक्स अपॉन, तो अपने लोग आएंगे एक्स बाय आर वन माइनस वन अपॉन आर प्लस एक्स। स्टिल कुछ मिस हो रहा है आई गेस यहाँ पर, क्योंकि एक और आर एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए, उससे टर्म इजी बन जाता आई गेस। ऐसा हो किस लिए रहा है जानना पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स बाय आर, आर से आर कट गया, वन बाय एक्स माइनस आर। जस्ट सेकंड, मेरे को चेक करना पड़ेगा। अच्छा आप समझ में, क्या कन्फ्यूजन थी एक्चुअली कि यहाँ पर वन बाय आर है, वही मैं सोच रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर, वन बाय आर है। हाँ तो यहाँ से वन बाय आर अपन लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ अपने पास आएगा क्या, वन माइनस एक्स बाय आर, ठीक है। तो ये अपने पास वन बाय आर, ये करेंगे आर अपॉन आर प्लस एक्स, तो आर से आर कट जाएगा, वन अपॉन आर प्लस एक्स, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। वही मैं कह रहा था इसमें क्या टाइम पास चल रहा था। पांचवा नंबर प्रॉब्लम हो गया, छठा नंबर प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करके देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर सिक्स, इस पार्ट को मैं यहीं कॉपी कर लेता। ठीक है, तो ये हो गया प्रूविंग वाला पार्ट, ठीक है। हाँ तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है कि एक्स की पावर एक्स इंटू एक वाई की पावर वाई इंटू जेड टू द पावर जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट सी है, देन शो दैट एट दिस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई विल बी माइनस ऑफ एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई एक्स होल पावर माइनस वन, ठीक है। करेंगे क्या, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, जब भी फालतू पावर दी हो तो सबसे पहला दिमाग लगाना होगा, लॉग ही ले लेते हैं। एक्स एल एन एक्स प्लस वाई एल एन वाई प्लस जेड एल एन जेड, ठीक है। अब करो क्या, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन लोग, तो डिफरेंशिएट पहले कर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ख़त्म ही हो जाएगा, तो एक्स यहाँ पहला आएगा एल एन एक्स प्लस अपने पास आया वन, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आया अपने पास डेल जेड बाय डेल एक्स, सॉरी हाँ एल एन जेड डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू एल एन जेड प्लस इसका वन होगा, तो डेल जेड बाय डेल एक्स आ गया अपने पास। तो अपने पास डेल जेड बाय डेल एक्स कितना आया अपने पास, माइनस वन प्लस एल एन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एल एन जेड, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसको वाई के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहिए, इसको ऊपर वाले को लिख ही सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ एल एन ऑफ ई एक्स, क्योंकि एल एन ऑफ ई वन होता है, वन प्लस एल एन जेड, बाकी देखते हैं अभी ये काम आएगा कि नहीं अभी बाद में। तो वन प्लस एल एन एक्स, वन प्लस एल एन एक्स, ठीक है। डेल जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, वाई के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट इसको करना है, तो अपने पास क्या आएगा, माइनस वन प्लस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमेटर इफ वन प्लस एल एन जेड। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वाई के टर्म में अपना क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन वन बाय जेड इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, कोई जुगाड़ है अपने पास डेल जेड बाय डेल वाई निकालने का, लग रहा है इसी को डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये देखते हैं क्या करना पड़ेगा अपने को, फंक्शन तो इतनी आसानी से सिंप्लीफाई होगा नहीं,
ठीक है ठीक है। सच ठीक है, इसी को मैं डिफरेंशिएट मार के देखता हूँ। वाई के रिस्पेक्ट में 0 इक्वल टू सेम आ जाएगा अपने पास डेल जेड बाय डेल वाई माइनस 1 प्लस ln वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln z। ठीक है, यहाँ पर पुट करके देखते हैं अपन लोग। माइनस 1 प्लस ln x अपॉन 1 प्लस ln z इंटू 1 बाय z इंटू डेल जेड बाय डेल वाई कितना आया अपने पास, -1 प्लस। ये मेरे को जानना है डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई ln x ln y। ठीक है, 1 प्लस ln y अपॉन 1 प्लस ln z। ठीक है, ये अपने पास आ गया 1 बाय z की गिवन ही है। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, ये जेड हो जाएगा। कुछ एक फैक्टर मिसिंग है इसमें, जस्ट अ सेकंड। ये अपने पास आया, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अच्छा, डिनोमिनेटर कहाँ आया, स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। ठीक है, अब कहा गया कि एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मान लेते हैं, तो ये डेल 2z अपॉन डेल वाई डेल एक्स कितना आ जाएगा। तो जब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा, तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर है ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, इसका एक पावर कटेगी, तो मेरे पास ये पॉजिटिव आ गया अपने पास, तो कितना आया, ये पॉजिटिव ही है, क्या आया है इसमें, माइनस दिया है इसका माइनस। अच्छा यार, इसका खुद का तो माइनस ही आएगा ना, और इसका खुद का भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस वो कट जाएगा, और इसका बाद में माइनस आएगा माइनस। ठीक है, 1 बाय z इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ln z। अब इसमें x के टर्म में दिया, तो मान लेते हैं x ही है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस ln x। अब इसको मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x इंटू ln of e x। ठीक है, अब इसको पावर माइनस में लिखने के लिए -x ln of e x टू दी पावर -1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 7 आई गेस लास्ट प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, इसको ट्राई कर लेते हैं। अभी हम लोग फर्दर और प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन ज़्यादा बड़ा मैं करना चाह नहीं रहा था, इसीलिए मैंने कम प्रॉब्लम चूज़ की। अभी और फर्दर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, फिर न्यूटन यूलर्स मेथड पे भी चलेंगे। ठीक है, यूलर्स थ्योरम का यूज़ भी करेंगे। तो चलो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आ गया। इसको पहले देखो, सिंप्लीफाई कर लो। डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड इंटू, एक को छोड़ो, एक से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आ गया, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। ठीक है, अब जो भी जो फंक्शन अपना आएगा ना, उसको पार्शली हम लोग इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों के अंदर। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर आएगा। चलिए प्रूव करके देखते हैं। यू एक्स अपने पास कितना है, यू एक्स यू वाई यू जेड दिया, तो यू एक्स अपने पास कितना है, 3x² माइनस 3 yz अपॉन x³। इसको फालतू का कोई के मान लेते हैं, कोई के फंक्शन। ठीक है, के ले लेते हैं, हर बार डिनोमिनेटर सेम आएगा। ठीक है, यू वाई कितना आ जाएगा, 3y² माइनस 3xz अपॉन के, और यू जेड अपने पास कितना आएगा, 3z² माइनस 3xy अपॉन के। तीनों को ऐड कर दो तो अपने पास कितना आएगा, 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3xz x³ y³ z³। ठीक, क्या दिया था डिनोमिनेटर, -3xyz ना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। डिनोमिनेटर में x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। एक आइडेंटिटी होती है आई गेस, ये इक्वल टू होता है x माइनस y, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz
माइनस जेड एक्स। जस्ट अ सेकेंड, मैं आइडेंटिटी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्या है। हाँ, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, फॉर्मूला है ये इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इससे ऊपर काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। ये अपने पास कितना आया, यह आया अपने पास यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड का सम। ठीक है, अब अपने को करना क्या है कि एडिशनल जो अपने पास गिवन था कि डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड टाइम्स यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड, अब इसको इंडिविजुअली इन तीनों से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपने पास आएगा -3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे -9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें लाना था। ठीक है, आई होप कि पार्शियल डेरिवेटिव का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ था नहीं इसमें, मेन फुल लेंदी लेंदी प्रॉब्लम थी। बाकी और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।